नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। पुलिस ने 25,000 का इनामिया आरोपी किया गिरफ्तार। सवारियों को गाड़ी में बैठाकर शातिर आरोपी लूट की घटना को देता था अंजाम। 8 आरोपियों की शातिर गिरोह में शामिल था अपराधी भारत उर्फ विवेक देहात कोतवाली क्षेत्र में शातिर आरोपियों ने लूट की घटना को दिया था अंजाम। एसओजी सर्विलांस स्वाट टीम के सहयोग से देहात कोतवाली पुलिस ने कन्नौज के बलनपुर तेरवा निवासी आरोपी को ग्राम कौड़ा से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सुशील कुमार राठौर की रिपोर्ट। प्रकरण कोतवाली देहात जनपद हरदोई का है। हमारी कोतवाली देहात की पुलिस टीम स्वाट एसओजी और सर्विलांस के सम्मिलित प्रयासों से हमने 25,000 रुपए का इनामिया शातिर लुटेरा अपराधी गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। ये अपराधी का नाम भारत उर्फ विवेक है। ये जिला कन्नौज के थाना क्षेत्र तिरवा के बलनपुर गांव का रहने वाला है। इसका एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है। 8 लोग इस गैंग में शामिल हैं। ये भोले भाले लोगों को, आम जनता को सवारी बना करके बैठाता है बड़ी बड़ी कारों में और कुछ दूर पर ले जाकर इसे उनके साथ लूटपाट डकैती की घटना कारित करता है। इस तरह की घटना एक 22 मई को हमारे थाना क्षेत्र कोतवाली देहात में घटित हुई थी और उसी में ये वांटेड था। 25,000 रुपए का इनामी था जिसको हमारी पुलिस टीमों ने सबूतों के साथ गिरफ्तार किया है। आज इसको जेल भेजा जा रहा है। हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कोई याद अपराधी हिस्ट्री शीटर गैंगस्टर एवं रजिस्टर्ड शराब माफिया सुभाष पाल की करोड़ों की संपत्ति हुई जब्त। मजारिया हिस्ट्री शीटर 18A सुभाष पाल पुत्र शिव दयाल पाल एक माफिया बदमाश या माफिया बदमाश ग्राम गड़ियनपुरवा थाना सुरसा जिला हरदोई का बासिंदा है। इसका गैंग डी 155 ग्राम क्रमांक पर पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है। गैंगस्टर एक्ट की दफा 14A के तहत कार्रवाई करते हुए इस बदमाश द्वारा काली कमाई से बनाई गई करीब 2.5 करोड़ की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। सुभाष पाल द्वारा अपने आपराधिक जीवन के शुरुआती दिनों में हत्या और फिरौती हेतु अपहरण जैसी संगीन वारदातें अंजाम दी थी, परंतु इधर काफी दिनों से यह अपमिश्रित जहरीली शराब का सौदागर बनकर अकूल प्रॉपर्टी बनाने में जुटा हुआ था। इस खुयात बदमाश की जब्त की गई प्रॉपर्टी में इसकी गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, कई वाहन व प्लाट शामिल है जिसकी बाजार कीमत करोड़ों में है। इस अपराधी और इसके 13 गुर्गों की अन्य संपत्तियों की जांच जारी है। जल्द ही और भी जब्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जनपद हरदोई का रहने वाला सुभाष पाल एक बहुत ही कुख्यात शातिर हिस्ट्री शीटर रजिस्टर्ड शराब माफिया है, जिसके पूरे रैकेट का पर्दाफाश करते हुए हरदोई पुलिस ने, प्रशासन ने इस पे मुकदमे लिखे, इस पे गैंगस्टर की कार्यवाहियाँ की और ज़िलाधिकारी महोदय हरदोई के आदेशानुसार गिरोहबंद अधिनियम के धारा 14(1) के तहत इसकी तमाम प्रॉपर्टी को, जो काले कारनामों से इसने कमाई थी, उसको सरकार के पक्ष में जब्त किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे ये गैस एजेंसी पे हम लोग खड़े हैं जिसने अपने काले कारनामों से कमाई हुई संपत्तियों से इसने बनाया है। आज इसको हम लोग जब्त कर रहे हैं। इसके अलावा इसका पेट्रोल पंप है, काले कारनामों से इसने ज़मीनें खरीदी हैं, उन सभी को सरकार के पक्ष में जब्त करने की कार्यवाही की जा रही है। सुभाष पाल, इसका भाई, सगा भाई सुधीर पाल, इसकी पत्नी, इसकी माँ, तमाम लोगों के नाम इन लोगों चतुराई से सारी संपत्तियों को इनके नाम कर रखा है ताकि पकड़ा ना जाए, लेकिन पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी से इसका काला चेहरा बेनकाब हो रहा है और इसकी सभी संपत्तियां लाइट में आ रही हैं। तकरीबन 2.5 करोड़ कीमत की ये सारी संपत्तियां हैं। आपको मैं भी कागजात पेश कर दूंगा। 2,44,00,000 के रुपए के आसपास कीमत की सारी संपत्तियों को कुर्क किया गया है। इस कार्यवाही के माध्यम से जनपद के तमाम अपराधियों, शराब माफियाओं और काले कारनामे करके धन दौलत अर्जित करके अय्याशी करने वाले लोगों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी इस तरह से जनता के हितों को मटिया मेट करते हुए अवैध काली कमाई का धन अर्जित करेगा, उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। ना केवल उसको जेल में समय बिताना पड़ेगा,
बल्कि उसकी जो कमाई होगी उस काली कमाई में करने में जितनी भी मेहनत उसकी होगी वो बर्बाद हो जाएगी। इसी तरह से उसकी सारी काली कमाई जब्त कर ली जाएगी और सब समाज में उसको बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। तो सभी को सबक लेना चाहिए, अच्छे से काम करें ऐसे माफिया और तक इस तरह की कार्रवाई से बचें। सर ये लोग जेल कब तक जाने का काम करेंगे इनका? इन लोगों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है, इन पे गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा चुकी है और अब इनकी संपत्तियों की बारी है। इनके पूरे आर्थिक तंत्र को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाएगा, ध्वस्त कर दिया जाएगा और जो भी संपत्तियां जाहिर रूप से सामने आ रही हैं उसको सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जाएगा। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।